और उसके बाद उसने जो लाठियां चलाई तो ये आंगन में चलाई, फिर कांग्रेस भवन के अंदर चलाई, फिर कमरे में चलाई, फिर वो हाल में चलाई। कांग्रेस भवन के अंदर लाठी अंग्रेजों ने नहीं चलाई, अटल शिवाजी को इसी सड़क पर जो सामने दिख रही है यहाँ पटक पटक के मारा गया, दे डंडे दाएं बाएं सब तरफ से। लेकिन महेश दुबे को एक डंडा नहीं, अभय नारायण राय को एक डंडा नहीं, विजय केसवानी को एक डंडा नहीं। अगर इन लोग एक एक डंडा खाने की फोटो दिखा देंगे, मैं 1,00,000 रुपए अभय नारायण राय को भी दूंगा, महेश दुबे को भी दूंगा और विजय केसवानी को दूंगा। नहीं दिखा सकते, ये सब दल्ले हैं। ये विजय केसवानी जो कर रहे हैं ये हरकत क्या है? तो कांग्रेस भवन लाठीचार्ज के बारे में कुछ बताइए तिवारी जी। बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है, सही वक्त पे पूछा है और सही जगह पूछा है। इत्तेफाक की बात है, आप मिले थे कलेक्टर ऑफिस के सामने, बात हुई कि चलिए कोनेर गार्डन के सामने बात करेंगे, और कोनेर गार्डन की बात करते करते अपन यहाँ आ गए। दाएं हाथ पे कांग्रेस भवन, बाएं हाथ पे अटल श्रीवास्तव का मकान जहां वो रहता था, और ये छत्तीसगढ़ भवन, और यही जगह अमर अग्रवाल के ऊपर कचरा फेंकने के बाद तमाम कांग्रेसी यही आए थे। यहां पर हुआ कि आप लोग गिरफ्तार करना है, पुलिस आई का गिरफ्तार करना है। एज यूजुअल राजनीति में गिरफ्तारी होती रहती थी, मैं जब जिला अध्यक्ष था तब भी होती थी, गिरफ्तारी होती थी, कोनी थाना में छोड़ देते थे, वहां पर हम लोग भजिया चाय वगैरह पी पी आके अपना घर आ जाते थे। वो दिन भी था गिरफ्तारी, मैंने कहा चलो मैं यहां पर पुलिस की बस में बैठ गया। ये बात अपने आप में गवाही भी है, मैं यहां इसी जगह पर पुलिस की बस में बैठ गया, मैं और राजेश पांडे और अनूप केसरवानी गोल बाजार। थोड़ी देर में अभय नारायण राय और एक दो लोग और आए, क्या भैया उतरिए उतरिए भैया कांग्रेस भवन चलिए। मैं तो नहीं आया, जब गिरफ्तारी देना तो बार बार आना जाना क्या है। नहीं नहीं भैया कुछ मीटिंग कर रहे हैं। मैं वहां जाके देखता हूँ तो वहां पर शेख गफ्फार, छोटे पार्षद अभी हैं, गफ्फार भाई चले गए। अटल श्रीवास्तव से बात कर रहे हैं, राजेश पांडे भी था कि भाई चलो गिरफ्तारी दे देते हैं। अटल ने कहा नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। अरे देरी क्या करना है यार, सुबह से निकले हुए इतना नारा लगाते हुए पैदल वहां गए, अब जाने तो सब। नहीं नहीं थोड़ा सा ये देरी क्यों हो रही थी, पहला प्रश्न ये देरी क्यों हो रही थी। फिर यह हुआ कि चाय वाय पिला देते कार्यकर्ताओं को, मैंने कहा मैं पिलाता हूं। मैंने करीबन 100-150 कप चाय और साथ में समोसा कचौड़ी जो मिले लेकर आ सबको खिलाओ पिलाओ। सबको मैंने समोसा चाय कचौड़ी खिलाया पिलाया, आधा घंटा निकल गया। अब चले नहीं नहीं, फिर कुछ लोग एक एक करके जाने लग गए। मेरी समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। जिंदगी निकालिए राजनीति में, 27 साल की उम्र में विधायक बनाओ, बचपन से स्कूल का मॉनिटर और स्कूल का प्रेसिडेंट और भोपाल में कॉलेज का प्रेसिडेंट, भोपाल में फिर कॉलेज का प्रेसिडेंट, फिर जबलपुर में कॉलेज का प्रेसिडेंट। ये जिंदगी की गलियां ये चौराहे मेरे देखे हुए हैं। मैं अचानक आया नहीं हूं राजनीति में कि ऐसा करके रोक दिया गया हो ना। हाँ मैं गमले वाला नहीं हूं, मैं बड़ का पेड़ हूं, मैं पीपल हूं, मैं नीम हूं, मैं जमीन फोड़ के अंदर गया हूं और बाहर निकला हूं। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ कुछ हो रहा है। पुलिस आते गई। मैंने कहा भैया अगर गिरफ्तारी देना है तो मैं गिरफ्तारी दे रहा हूं। मैं गिरफ्तारी के लिए चला गया, बस में बैठ गया, उसकी फोटोग्राफ लिए, मैं बस में बैठ गया। और उसके बाद वो चंद्राकर, नीरज चंद्राकर, वो न जाने किस किस से मोबाइल में क्या बात करता रहा, मेरे पास फोटो है। और उसके बाद उसने जो लाठियां चलाई तो ये आंगन में चलाई, फिर कांग्रेस भवन के अंदर चलाई, फिर कमरे में चलाई, फिर वो हाल में चलाई। कांग्रेस भवन के अंदर लाठी अंग्रेजों ने नहीं चलाई, अंग्रेजों ने नहीं चलाई। और ये भाजपा शासन में कांग्रेस भवन के अंदर लाठियां चलाई गई। अटल शिवाजी को इसी सड़क पर जो सामने दिख रही है यहां पटक पटक के मारा गया, दे डंडे दाएं बाएं सब तरफ से। लेकिन महेश दुबे को एक डंडा नहीं, अभय नारायण राय को एक डंडा नहीं, विजय केसवानी को एक डंडा नहीं। अगर इन लोग एक एक डंडा खाने की फोटो दिखा देंगे, मैं 1,00,000 रुपए अभय नारायण राय को भी दूंगा, महेश दुबे को भी दूंगा और विजय केसवानी को दूंगा, और विजय केसवानी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो दिखा दे उसको डंडा पड़ा, वो दिखा दे, वो बता दे कि कांग्रेस पर लाठीचार्ज करी उसने, अभी तक गवाही क्यों नहीं दी, वो बताए। मैं विजय केसवानी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा, बल्कि उसको 5-10 लाख रुपए दूंगा, उसका प्रचार करूंगा। नहीं दिखा सकते, ये सब दल्ले हैं।
ये विजय केसरवानी जो कर रहे हैं ये हरकत क्या है? कार्यकर्ताओं का खून बह रहा है और तुम यहाँ तुम्हारा घूम रहे, कार्यकर्ता को खून बह रहा है और तुम दिल्ली, कार्यकर्ताओं का खून बह रहा है तुम रायपुर, कार्यकर्ताओं का खून बह रहा है तुम सम्मेलन, कार्यकर्ताओं का खून बह रहा है और तुम बेतरा विधानसभा क्षेत्र में जाके उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर वोट मांगने निकलोगे। ये सौदागर है, ये वोटों के सौदागर है, ये नोटों के सौदागर है, ये जिंदगी के विश्वास के सौदागर। ऐसे सौदागरों को सबक सिखाने के लिए अरुण तो तैयार हुआ है। अब आप खुद सोचिए, मेरी सच्चाई ऐसी है, मेरी बात में कुछ दम है कि ये सब लोग अपने आप इकट्ठा होते हैं। मैं इस शहर को इकट्ठा करके, मैं इस शहर को, ये तो बिल्कुल अंदर का मामला है, अंदर की सड़क है। मैं गोल बाजार में, मैं सदर बाजार में, मैं गोंडपारा में, मैं बृहस्पति बाजार में, मैं सनीचरी में, मैं सीपा चौक में ऐसा माहौल बनाऊंगा कि अमर अग्रवाल और शैलेश पांडे के सामने मैं अपनी बीन बजाऊंगा, मैं कन्हैया बन जाऊंगा, मैं गोवर्धन मठ गोवर्धन पर्वत उठाऊंगा, लेकिन शैलेश पांडे के सामने मैं बीन बजाऊंगा, शैलेश पांडे के सामने मैं, अमर अग्रवाल के सामने मैं बीन बजाऊंगा, बांसी चुनाव चिन्ह मंगाऊ, बांसी चुनाव चिन्ह पाऊंगा और फिर उसके बाद ये पूरे शहर में बांसुरी की आवाज गूंजेगी और बांसुरी ही इन लोगों का कमाल करेगी। एक खुला प्रश्न था आपसे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी में आप इतने साल से जुड़े हो, तो कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों को जो टिकट देती है वो चेहरा देख के देती है कि नोट देख के देती है? ये खुला प्रश्न है, आप अच्छे से जवाब। चेहरा भी देख के देती है और नोट देख के भी देती है। टीएस सिंहदेव ने शैलेश पांडे को नोट देख के टिकट नहीं दिया, चेहरा देख के टिकट दिया। लेकिन सहजा जी ने जो मुझको बोली थी छत्तीसगढ़ भवन में, मैं हरियाणा की बेटी हूं। अरे ये दादागिरी की भाषा बोलने की क्या जरूरत है? अरुण तिवारी पूर्व विधायक जिला अध्यक्ष से, क्योंकि मेरी आवाज तेज थी, मैं हरियाणा की बेटी हूं तिवारी जी। मैं बता देना चाहता हूं, मैं भारत का बेटा हूं और हरियाणा भारत का बेटा और बेटी कहलाएगा, बाप या मां नहीं है हरियाणा, मैं भारत का बेटा हूं। उसी शैलजा जी को मैं सबक सिखाने के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूं और विजय केसरवानी को दिखा दूंगा कि ये कौन है। ये वो पैसे से हुआ है विजय केसरवानी? हाँ, शैलजा जी के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूं, वो आए और कोर्ट में मेरे से बात करेंगे, हम बात करेंगे कि क्यों दी गई टिकट, क्या क्या हुआ है। सारे लोग यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं, मान रहा हूं, मेरे ऊपर मानहानी का दावा करने शैलजा जी मैं तैयार हूं। बेलतरा से एक त्रिलोक श्रीवास नाम के जो है नेता, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे दिल का टुकड़ा है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में जो भी आदमी जनता के बीच में काम किया है, कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया है, वो मेरे दिल का टुकड़ा है। अगर विजय केसरवानी के अलावा किसी को भी टिकट मिलती मैं उसका साथ देता। मुझे चुनाव लड़ना नहीं था, अगर चुनाव लड़ना होता तो मैं फार्म भरता, आवेदन करता। जब मैंने आवेदन ही नहीं किया है तो मुझे किस बात की शिकायत? अरुण तिवारी को खुद अरुण जी को टिकट नहीं मिली इसकी शिकायत नहीं है? मैं तो आवेदन लगाई नहीं ना बेलतरा से ना बिलासपुर से। मुझे शिकायत यह है कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के गांव गांव में घूमने वाले सैकड़ों कार्यकर्ताओं में से 50 कार्यकर्ताओं ने टिकट की मांग की थी। क्या राहुल जी कहते हैं सवाल करो डरो मत, अब मैं सवाल कर रहा हूं कि त्रिलोक श्रीवास को टिकट क्यों नहीं दिए बताओ, विनय शुक्ला को टिकट क्यों नहीं दिए बताओ, अनिल यादव को टिकट क्यों नहीं दिए बताओ। अरे 50 लोग ऐसा काम किए हैं, उनको क्यों नहीं टिकट दिए? और विजय केसरवानी को टिकट क्यों दिए? अगर विजय केसरवानी बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के 100 गांव के नाम बता दे और वहां 2-4 रात रुका हो, मैं उसके समर्थन बैठ जाऊंगा। तुम्हें अब बोलना नहीं चाहिए, कहते हैं कि इसका उसका होश नहीं, रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा है। बेलतरा का भूगोल जानते नहीं, इतिहास बनाने निकले हैं। बेलतरा का भूगोल जानते नहीं, इतिहास बनाने निकले हैं, अच्छे खासे बेलतरा को लाश बनाने निकले हैं। और ये लाश बनाने वाला सौदा विजय केसरवानी ने किया है। टिकट पैसा दे के ला सकते हो, वोट कितना दोगे, ये नोट कितना दोगे कार्यकर्ताओं के, जनता को? तुम कार्यकर्ताओं को भी 10,000 वीजा दे सकते हो। जनता बेलतरा के बिकाऊ न थी, न है, न रहेगी। जवाब जनता देगी, वही आज बिलासपुर का होगा। जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे जो होगा भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा। जैसे सेठ तो गयो का नारा है, वैसे ही भाव तो गयो भी दिखता जा रहा है। बेलतरा में लोग समर्थन में नहीं है, क्योंकि वो समर्थन खरीदने में लगा हुआ है। जो लोग उसका विरोध करते उसको जाके 20,000 50,000 1,00,000 $2 ये देने का काम चल रहा है, ये चल रहा है।
अगर ऐसे मनाया जाता, मान जाता कोई भी आदमी, तो त्रिलोक सिवाल को निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। हर आदमी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, बगावत हो रही है। कहां गई अब संकल्प? भूपेश बघेल जो संकल्प करा रहे थे, वो संकल्प कहां गए? और भूपेश बघेल कहां गए? मैं आपकी मीडिया से फिर से चैलेंज कर रहा हूं, भूपेश बघेल एक बार फिर संकल्प यात्रा करा ले और फिर संकल्प लिवाए, समझ में आ जाएगी। तुम अन्याय भी करोगे और कार्यकर्ता या मतदाता मौन रहेगा? कार्यकर्ता तो फिर भी लालच में मौन रहेगा, डर से मौन रहेगा। जनता मौन नहीं रहेगी, जनता तब मुंह खोलेगी 17 नवंबर को, 17 नवंबर को मौन खोलेगा। 12 को दिवाली है, 12 को दिवाली है और 17 को भूपेश बघेल का दिवाला है। दिवाली 12 तारीख को मनाएंगे और 17 तारीख को भूपेश बघेल का दिवाला मनाएंगे, कम से कम बिलासपुर में और कम से कम बेलतरा में। पूरी जीत हार रहे हैं। मैं बेटा एक मिनट, आपको जानता हूँ क्या? मैं जानता हूँ क्या? मैं नहीं जानता। क्या नाम है आपका? रामू बंजारे। मेरे गांव के हो क्या? मेरे घर के हो क्या? मैं तुमको पैसा दिया हूँ क्या? ये ताली क्यों बजा रहे थे? ये जनता की ताली है, ये जनता की ताली है, ये जनता की ताली है। ये वो कार्यकर्ता नहीं जिनको 100 रुपए 200 रुपए दारू की बोतल या मुर्गा खिलाया गया है। ये मेरे साथ के लोग नहीं है, ये इंसाफ के साथ के लोग हैं, ये सच्चाई के साथ के लोग हैं। और ऐसे लोग का साथ अगर मेरे को मिलता है, अरुण जी को लगता है मैं भगत सिंह हूँ, अरुण जी को लगता है मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ, ऐसी जिंदगी जीने से, ऐसी जिंदगी जीने से गर्व होता है। और ऐसा थर्ड क्लास विधायक बनने से शर्म आती है। मुझे ऐसा विधायक नहीं बनना, मुझे ऐसी जिंदगी जीना है। तो ये थे अरुण तिवारी जी, इनसे हमने खुल के चर्चा की, बिलासपुर की राजनीति के बारे में बात किया, बेलतरा के प्रत्याशियों के बारे में जाना, और जो लाठी चार्ज हुआ था 5 साल पहले कांग्रेस भवन में उसके बारे में खुलकर बात हुई। नहीं, मैं तो नाम बता दिया। आगे और देखने के लिए अब हम ठीक है।